नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल न्यू गैजेट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के लेटेस्ट मॉडल लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी J7 Duo, जो कि सैमसंग ने फाइनली अनाउंस कर दिया है इंडिया में 11th अप्रैल 2018 में। और हम कंपेयर करने वाले हैं शॉमी के लेटेस्ट मॉडल लॉन्च शॉमी रेडमी नोट 5 प्रो से। आज हम करने वाले हैं इन दोनों फोन के बीच में कंपैरिजन, और हम देखने वाले हैं कि यहां पर जो है कौन सा फोन की जो है स्पेसिफिकेशन बेटर रह पाती है, या फिर जो है किस पैटर्न में जो है बेटर रह पाती है, वो हमको जो है बताने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं कि अगर आपको जो है फोन परचेस करना हो 16-17-18,000 रुपीस तक का, तो आपको जो है कौन सा फोन लेना चाहिए, सैमसंग का J7 Duo लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, या फिर जो है शॉमी का रेडमी नोट 5 प्रो लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, तो हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो के साथ में। तो फाइनली जो है सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है J7 Duo 2018 में 11th अप्रैल। प्राइस रखा गया है 16,990 रुपीज, ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज। और जो शॉमी का रेडमी नोट 5 प्रो है, ये अनाउंस हुआ था 14 फरवरी 2018 को, जिसका प्राइस आपको मिलेगा 4GB वाला वेरिएंट का, जो कि है ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज का। फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइस कंपेरिजन की, तो आपको जो है ऑलमोस्ट 3,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं J7 Duo को परचेज करने के लिए। तो बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो हम देखते हैं यहां पर सबसे पहले डिस्प्ले में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि Xiaomi Redmi Note 5 Pro है, जहां पर आपको डिस्प्ले मिल रहा है वो है 5.99 इंच का डिस्प्ले। जहां पर स्क्रीन रेशियो यूज किया गया है वो है 18:9 का स्क्रीन रेशियो। रेजोल्यूशन मिल रहा है FHD का रेजोल्यूशन, जहां पर पिक्सल यूज किया गया है वो है 1080x2160। और डिस्प्ले मिल रहा है जो कि है IPS LCD स्क्रीन। अब बात करते हैं Samsung Galaxy J7 Duo की, तो वहां पर आपको मिल रहा है 5.5 इंच का डिस्प्ले, जहां पर डिस्प्ले यूज किया गया है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हम बोल सकते हैं डिस्प्ले की वाइज में जो कि सुपर एमोलेड जो है मच बेटर है यहां पर IPS स्क्रीन से। लेकिन हम बात करते हैं इसके अलावा स्क्रीन रेशियो की, तो आपको जो है J7 Duo में मिलेगा 16:9 का स्क्रीन रेशियो, कि आपको Redmi Note 5 Pro में मिल रहा था 18:9 का स्क्रीन रेशियो। इसके अलावा बात करते हैं हम साथ में इसके रेजोल्यूशन की, तो J7 Duo में यूज किया गया है वो है 720x1280, जो कि है HD रेजोल्यूशन, जो कि आपको Redmi Note 5 Pro में मिल रहा था FHD प्लस का रेजोल्यूशन। इसके अलावा बात करते हैं दोनों ही फोन के कैमरे की, जहां पर यूज किया गया है दोनों ही फोन में जो है डुअल रियर कैमरा, जहां पर जो है ऊपर वाला कैमरा मिलेगा वो है 13 मेगापिक्सल का, जो कि प्राइमरी कैमरा होता है, जो कि सेकेंडरी कैमरा होता है जो कि ब्लर इफेक्ट देने के लिए पोर्ट्रेट मोड के लिए, जो कि है वो 5 मेगापिक्सल का। वहां पर आपको J7 Duo में भी जो है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का जो है कैमरा देखने को मिलने वाला है। पिक्सल क्वालिटी सेम है, लेकिन मैं यहां पर अपर्चर लेंस की बात करूं तो आपको जो है प्राइमरी कैमरे में Redmi Note 5 Pro को मिलता है f2.2 का अपर्चर लेंस, और जो सेकेंडरी वाले कैमरा है वहां पर मिल रहा है f2.0 का अपर्चर लेंस, जो कि आपको Samsung J7 Duo के साथ मिल रहा है f1.9 और f1.9 का अपर्चर लेंस। जहां पर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ऑब्वियसली आपको जो है Samsung Galaxy J7 Duo में जो है बेटर परफॉर्मेंस देखने को जो है मिल जाएगी रियर कैमरे की। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो वहां पर आपको मिलेगा यहां 20 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि है Xiaomi Redmi Note 5 Pro में, लेकिन Samsung Galaxy J7 Duo में आपको मिलेगा जो कि है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो देखते हैं यहां पर अपर्चर लेंस क्या मिलेगा, तो आपको J7 Duo में मिलेगा f1.9 का अपर्चर लेंस, Xiaomi के फ्रंट कैमरे में लेंस मिलेगा जो कि है f2.2 का अपर्चर लेंस। तो ये आपको जो है यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि है फ्रंट कैमरे का। फ्रंट कैमरे में आपको जो क्वालिटी अच्छी मिलेगी वो है Xiaomi Redmi Note 5 Pro की, जो कि पिक्सल भी आपको अच्छा मिलता है, और यहां पर जो है अपर्चर लेंस की बात करें तो वो होता है बेसिकली डार्क लाइट कंडीशन के लिए, तो आपको वहां पर जो है f2.0 है सफिशिएंट होता है, अगर आपको हमारे पिक्सल जो है एक अच्छा मिल जाता है तो, जो कि आपको वहां पर जो है f1.9 जो है देखने को मिल रहा है। तो ये था इन दोनों फोन के कैमरे के बीच में डिफरेंस। इसके अलावा बात करते हैं हम दोनों ही फोन के वेरिएंट की, जो कि Xiaomi Redmi Note 5 Pro आता है 4GB 64GB रैम के स्टोरेज के साथ में, जिसका प्राइस आता है 14,000 रुपीज। Samsung Galaxy J7 Duo आता है 17,000 रुपीज का, जिसमें वेरिएंट है 4GB और 32GB। अगर हमें 17,000 रुपीज खर्च करने हो तो हम इसका जो है 6GB रैम वाला वेरिएंट भी जो है ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम दोनों ही फोन के चिपसेट के बारे में, जहां पर यूज किया गया है Xiaomi Redmi Note 5 Pro में Snapdragon 636। Snapdragon एक काफी अच्छा चिपसेट है, तो यहां पर हम बात करते हैं Samsung Galaxy J7 Duo के बारे में, जहां पर यूज किया गया है Samsung का खुद का चिपसेट, जो
कि सैमसंग मिड सेगमेंट में जो है यूज करता है वो है एक्सिनोस 7870। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर जीपीयू और सीपीयू की, तो जीपीयू आपको मिलता है यहाँ पर माली T830 सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ में, लेकिन आपको यहाँ पर मिलता है शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो में जो कि है एड्रिनो 509 का जीपीयू जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर सीपीयू की, तो आपको J7 डुओ में जो सीपीयू मिल रहा है वो है 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर सीपीयू, शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो में आपको मिल रहा है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू। तो यहाँ पर जो है हार्डवेयर वाइज कॉन्फ़िगरेशन वाइज हम बात करें तो थोड़ा सा अपग्रेड है यहाँ पर शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो, लेकिन सिर्फ कैमरे को छोड़ के। कैमरे के अपडेट की बात करें तो आपको मिलेगा J7 डुओ में जो है कैमरा, और डिस्प्ले जो अपडेट मिलेगा आपको मिलेगा सैमसंग J7 डुओ के साथ में। इसके अलावा बात करते हैं सबसे लास्ट में आकर कुछ सेंसर्स और बैटरी और परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो है सेंसर आपको मिलेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसके अलावा मिल जाएगा एक्सेलेरोमीटर सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ में। चारों ही सेंसर आपको जो है शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो में भी जो है देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एडिशनल सेंसर भी आपको जो है इसमें देखने को मिल जाएंगे जो कि आएगा कंपास सेंसर और जैरो सेंसर। तो यहाँ पर जो मिल रहा है प्रॉक्सिमिटी, कंपास सेंसर, जैरो सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक आपको जो है इसके अंदर मिल जाएगा। सबसे लास्ट में आते हैं बैटरी की बात, तो सबसे ज्यादा लास्ट में ही हमें काम आती है बैटरी, जो कि हमारी बैटरी जब ड्रेन होती है तो बहुत 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 हम ऐसा फील करते हैं कि यार क्यों बैटरी क्यों ड्रेन हो गई। तो यहाँ पर यूज़ किया गया है सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ में जो कि है 3000 mAh की बैटरी, और शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो में जो बैटरी यूज़ की गई है वो है 4000 mAh की बैटरी। अगर आपको 17,000 rupees खर्च करने हैं एग्जैक्टली, तो एक ऑप्शन है सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ, दूसरा ऑप्शन है रेडमी नोट 5 प्रो 6GB रैम वाला वेरियंट। अगर आपको खर्च करने हैं 14,000 rupees तो वेरिएंट है 4GB 64GB शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो। तो ये था इन दोनों फोन के बीच में कंपैरिजन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है इन दोनों फोन के बारे में और इस वीडियो के बारे में। आप कौन सा फोन जो है परचेज करना चाहोगे, शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो या फिर सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा अपने हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है, जल्दी से लाइक भी कर लीजिए, जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे कि आप जो है डायरेक्टली वहां पर जो है जा सकते हैं। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी फोन स्क्रीन पर जो है न्यू गैजेट्स का आइकन देखने को मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके वहां चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज के वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में।